हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आप लोग डायमंड के रेट पे गोल्ड को परचेस करोगे? इसका जवाब ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की वीडियो जो है वो ऑन रिक्वेस्ट है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी प्रतिक्रिया फिर से उस लोकेशन पे दूँ जिस पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपनी राय अकॉर्डिंगली रखें। दोस्तों, आज की जो लोकेशन है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स जो कि परी चौक पर अवेलेबल है उनके ऊपर है। आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले एक साल में वहाँ पर रेट कितने रिवाइज हुए हैं। डेफिनेटली ये रिवीजन ऑफ रेट डिपेंड करता है फुटफॉल्स के ऊपर। हम सभी लोग वहाँ पे पहुँचे और बार बार पहुँचे और आज भी पहुँच रहे हैं, और नो डाउट अच्छी लोकेशन है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर चाहते हैं, बट जेन्युइन रेट पे। अब अप्रिशिएट करता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है, बट रहने वालों को भी सोचना होगा। अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पड़ोस में जो खंडर रूपी जो मकान है वो बिक जाए, तो उसका रेट भी वैसा ही होना चाहिए कि आम आदमी उसको परचेस कर सके। और जिन लोगों ने होल्ड किया है वो भी आप लोगों को मालूम है किन लोगों ने होल्ड किया है उसे। इनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, जिन फाइनेंसर्स का पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका मकान बिके और वो एप्रिसिएशन लेकर अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर वो वहाँ से निकल जाए। बट क्या हम लोग उस एप्रिसिएशन में हम लोग प्लॉट खरीद सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं खरीदने वाले हम लोगों में से ही कोई ना कोई होगा, बट वो 5% या 10% ही प्लॉट्स को ख़रीद पाएगा। और जो बसावट है वहाँ पर आज के डेट में 40-50% है, वो 60% तक पहुँच जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उससे होगा क्या? जो आम आदमी वहाँ पर रह रहा है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पड़ोसी आएंगे और मिलजुल कर रहेंगे, और जैसे जैसे बसावट बढ़ेगी वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य भी बढ़ेंगे और सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर ज़रूरतमंदों को मिलेगी। बट ऐसा तो हो नहीं रहा। तो आज वक्त आ गया है जो लोग हमारा शिकार करना चाहते थे उनका शिकार करने का टाइम आ गया है कि हम सभी लोग उस लोकेशन पे ज़रूर जाएं, देखें ज़रूर, लेकिन परचेज ना करें अगले 2-3 सालों तक। अगर वहाँ पर रेट बढ़ गए हैं और उनको गिराना है ना, तो दोस्तों मिलकर काम करना होता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्रॉपर्टी के रेट्स नीचे नहीं जाते। अगर दौर आप लोगों ने देखा होगा या गौर फरमाया होगा, 2012 से लेकर 2014 का दौर और 2016 से 2020 का दौर, वो दौर ऐसे दौर थे जहां पर नोटबंदी भी आई थी, कोरोना भी आया था और फार्मर्स के भी कुछ कंसर्न्स रहे थे, जिस दौरान 30 लाख के फ्लैट्स को 20 और 21 लाख में भी कोई लेने को राज़ी नहीं था। जो विला प्लॉट्स थे या अथॉरिटी के जो प्लॉट्स थे 45 लाख और 50 लाख के, उनको 40 लाख में भी लेने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। तो ऐसे दौर को हम लोग मिलकर ही ला सकते हैं जब आप परचेज नहीं करेंगे। और जब आप परचेज नहीं करते, लोकेशन की अप्रिसिएशन ऑलरेडी होती रहती है, तो उसमें सरकार की नज़र फिर पड़ती है और सरकार फिर ढूंढ ढूंढ कर देखती है कि ये किस बेसिस पे हुआ। बिकॉज सर्किल रेट जो तय करता है वो सरकार करती है, अथॉरिटी करती है, और सर्किल रेट से कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, कितनी परसेंटेज डेवलपमेंट पे किया है, फिर सरकार कहीं ना कहीं नोटिफाई करती है। और सरकार नोटिफाई जब करती है तो डेफिनेटली वहाँ पर फुटफॉल्स बढ़ाने के लिए या फिर रिवाइज करती है रेट्स को, सर्किल रेट्स को, और उस टाइम पर दाम गिरने के चांसेस होते हैं। जो लोग मेरी एज के हैं वो लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे 2008 का रिसेशन, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में छाया था, यूएस के। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, प्रॉपर्टी के रेट रिवाइज होते ज़रूर हैं, डिक्रीज़ ज़रूर होते हैं जब परचेसिंग पावर नहीं रहती और परचेज नहीं होते, और जब बने बनाए अथॉरिटी के प्लान्स जब एग्जीक्यूट नहीं होते प्रॉपरली, तो सरकार अपना रुख बनाती है और उनकी जिम्मेदारी लेती है और ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं, ज़रूर आप लोगों को उस लोकेशन में प्लॉट पसंद आया होगा, आप लेना भी चाह रहे होंगे, बट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप दूसरी लोकेशन ज़रूर देखें। और भी लोकेशंस पे सरकार अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, लॉटरी लेकर आ रही है, फॉर्म भरने के लिए अपनी एप्लीकेशंस को वो लॉन्च करने वाली है, आप उस पर नज़र बना कर रखें और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें इंस्टेड ऑफ दिस। शायद आपको 3-4 सालों में यहाँ के रेट भी डाउनफॉल में मिलेंगे और जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की है अगले एक सालों में जो आप करने वाले हैं, शायद वहाँ पर भी प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट कर जाएंगे और आपको इसी तरीके का सुखद अनुभव मिलेगा। आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा
कि अब शिकार जो करने आए हुए थे लोग, उन लोगों का शिकार करने का टाइम आ गया है। आप लोग जाइए ज़रूर, बट देखिए ज़रूर, बट इन्वेस्टमेंट ना करें, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये होल्ड हुई प्रॉपर्टी के रेट अब ऑटोमेटिकली डाउन होंगे, और वेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि मैं पहले जाऊँ, मैं ले लूँ दूसरों से पहले। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने जल्दबाजी की और वहाँ पर आप लोगों ने प्लॉट ले लिया और बस गए, तो डेफिनेटली आप लोग भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मेरे भाई बहन वहाँ पर कर रहे हैं फिलहाल, कि बसावट नहीं बस रही है। और बसावट का बसना बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकेशन की ग्रोथ के लिए। उस लोकेशन की ग्रोथ के लिए आप इस चीज़ों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक शेयर करें, डायरेक्टली जुड़ें सेल्स परचेस के लिए। अगर किसी को लगता है कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाहता हूँ और जेन्युइन रेट्स पे बेचना चाहता हूँ, उस रेट पे नहीं बेचना चाहता जिस रेट पे ये फाइनेंसर्स बेच रहे हैं, मैं उस रेट पे नहीं बेचना चाहता, बट मुझे इतनी अप्रिशिएशन ज़रूर चाहिए, हम भी देना चाहते हैं, आप ज़रूर अप्रिशिएट लीजिए। डायरेक्टली कोशिश करें बायर्स के साथ जुड़ने की, ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग या वो अप्रिशिएशन जो खाम खा का है वो चीज़ डाउनफॉल में आ जाए।